पूरे पिछवाड़े गंदे हो गए मेरे। अरे मैं सगलो क्या करूं, क्योंकि जब भी मैं इसे ठीक कराता तो उसके कुछ दिन बाद ये फिर से खराब हो जाती है। और आज तो उसके आगे पीछे के दोनों टायर हिल रहे हैं। ताहन का तो कुछ ये हाल हो रहा है। अब इसमें क्या मेरी गलती है? अब ये मत कहना कि मैं हैवी ड्राइवर, ये खुद ही ऐसी हो जाती है। पापा ने तो बोल दिया जो भी इसमें पैसा लगेगा लगा दे एक बार। मैंने बोला ठीक है पापा। अंकल बोल रहे हैं एक घंटे बाद साइकिल ले जाना, तब तक जो मम्मी ने काम दिया था उसे ही पूरा करके आता। और आज का मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए रास्ते। मम्मी ने बोला था कि बेलपत्र की कुछ पत्ती ले आइयो। बहुत ही मुश्किल चढ़ पाया हूं मैं, क्योंकि कोई साथ भी नहीं था। पत्ती तोड़ के निकल गया मैं अपने घर। रात को जब हम लोग साइकिल लेने जा रहे थे, बारिश हो रही है बहुत। इस चक्कर मम्मी और चिल्ला रही है, इतनी देर से क्या कर रहे थे? चलो इसका भी मेरे पास एक उपाय है, छाता लेकर निकल लियो, साथ में भैया को भी ले गए। फिर सोचा बारिश के मौसम में ये क्रिस्पी क्रिस्पी फिंगर बहुत टेस्टी, फिर इन फिंगर को खा के इनका आनंद लिया। वाओ बेटे, हे प्रभु ये क्या किया, दुकान बंद हो गई अंकल की, ये क्या हुआ? गलती से मैं फिसल और गया। और मैं फिसला कहूं, मैं तो लेट रहा हूं कीचड़ में, देखो मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए। चलो अब कल मुलाकात होगी।